नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही शानदार है, बहुत ही नॉलेज वाला है दोस्तों। तो सिंपल से आपको अपने गूगल पे जाना है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा क्या होता है, या आप कोई नई नई शादी करके ले आते हो, या दोस्तों कोई नई शादी करते हो दोस्तों, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि आप कोई शादी करके लाए और उसमें आपके मतलब मिसेज का या गर्लफ्रेंड का किसी से भी अपनी शादी की, ठीक है, उसको घर पर लाए और उसमें उसके पिता का नाम होता है और उसको आपके उसके आधार कार्ड में अपना नाम देना होता है दोस्तों। और ये आप जाकर बहुत ही चक्कर लगाते हो, जाके 10-15-20 दिन 30 दिन या महीने 2 महीने लग जाते हैं, तब जाके आपका ये करेक्शन होता है, यानी सुधार हो पाता है और आपका नाम आपके पत्नी के आधार कार्ड पर आ पाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको एड्रेस ऑनलाइन यानी मोबाइल से कर कर दिखाऊंगा, सिचुएशन कैसे क्या करना है वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो सिंपल से आपको इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखना है दोस्तों। अगर दोस्तों आप अपने पिताजी का नेम चेंज करना चाहते हैं, या दोस्तों कोई गर्ल्स अपने बाप का नेम चेंज करना चाहती है, या अपनी डैडी का नेम चेंज करना चाहती है, या अपना हस्बैंड का नाम रखना चाहती है दोस्तों, या फिर हस्बैंड अपने पत्नी का नाम रखना चाहता है, कैसे भी चेंज करना चाहता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को फुल कंप्लीट एंड ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक टॉपिक देखिए, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो सिंपल से यहाँ पर आपको UIDAI आधार की जो वेबसाइट होती है वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेनी होती है। फर्स्ट नंबर पे आ रही है दोस्तों, यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों मैं एक लड़का हूँ और बॉय हूँ दोस्तों, और मैं अपने अपने मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा दोस्तों कि आपको ये कैसे करना है दोस्तों, ठीक है ना, वेरिफिकेशन कैसे करना है दोस्तों। तो सिंपल से इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखना दोस्तों, मैं सारा कुछ इस वीडियो पे डिक्लेयर करूँगा दोस्तों कि कैसे आपको क्या करना है दोस्तों। तो सिंपल से इस प्रकार से इसको ओपन करना है दोस्तों। तो ऐसी कुछ इसकी इंटरफेस खुल जाएगी और खुलने के बाद दोस्तों करना क्या है वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल से ये वेबसाइट दोस्तों यूनिक नहीं है, अच्छी नहीं है दोस्तों, यानी जो सिस्टम आना चाहिए वो सिस्टम यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो सिंपल से यहाँ पर हमको UIDAI.gov.in लिख दिया, इस वजह से नहीं आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे देख सकते हैं .in आधार पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम दूसरी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, मैं दूसरी वेबसाइट पे चला गया था इसके लिए, सॉरी दोस्तों, वेरी सॉरी दोस्तों। तो सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों अब पूरी तरीके से आधार की जो वेबसाइट है वो सारी की सारी ओरिजिनल वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी दोस्तों। और मैं एक बॉय हूँ, लड़का हूँ दोस्तों, अपने आधार कार्ड पर जैसे कि मैं अपने पिताजी का नाम चेंज करना चाहता हूँ, इसके लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए दोस्तों कि अगर आप अपने पिताजी का नाम चेंज करना चाहते हैं, नाम कौन सा देना चाहते हैं, और आपके जो नाम है वो कॉन्टैक्ट में कौन सा नाम है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होता है दोस्तों। तो सिंपल से इस वीडियो को फुल कम्प्लीट देखिए दोस्तों, अगर आप अपने पत्नी का आधार कार्ड नंबर पर अपना नाम देना चाहते हैं, या दोस्तों अपनी शादी करके लाए हैं, कैसे क्या होता है कि 2-3 महीने चक्कर काटते हैं और आपका ये काम नहीं हो पाता दोस्तों। तो यार मैं फुल कंप्लीट वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं आपको मोबाइल से करके दिखाऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। तो सिंपल से आपको यहाँ पर अपडेट दोस्तों सॉरी ये रहा अपडेट एड योर एड्रेस ऑनलाइन, तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल से यहाँ पर दो सिस्टम मिल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसीड टू अपडेट योर अपडेट एड्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों, अगर आप नीचे से रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं तो नीचे से रिक्वेस्ट लगा के साथ देख सकते हैं दोस्तों, और पढ़ लेते हैं दोस्तों सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिक्लेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को फुल कंप्लीट देखना है दोस्तों। तो सिंपल से प्रोसीड टू अपडेट पर क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपना एक बॉय हूँ और बॉय पर यहाँ पर आपको, और हाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं बताना भूल गया कि दोस्तों अगर आपकी पत्नी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दोस्तों आप ये काम ऑनलाइन मोबाइल से नहीं कर सकते, सॉरी दोस्तों। इस वीडियो को आप मत देखो, यहीं से स्टॉप कर दो, बंद कर दो दोस्तों। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखो दोस्तों, ठीक है ना। तो सिंपल से आपको अपना पत्नी का आधार कार्ड नंबर देना है, जिस आधार कार्ड पर आप करेक्शन करना चाहते हैं वो आधार कार्ड आपको यहाँ पर देना है, और ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ दे देना है दोस्तों। तो सिंपल से मैं दे देता हूँ, और देने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मैं सिंपल से अपना आधार कार्ड नहीं दिखाना। तो दोस्तों सिंपल से मैंने दे दिया, और देने के बाद दोस्तों यहाँ पर कैप्चा भी दे दिया, इसको मैं आपको सेंड OTP क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपको एक OTP जाएगा दोस्तों। तो सिंपल से वो OTP आपको देना, तो दोस्तों सिंपल से यहाँ पर मुझे वो OTP देना होगा दोस्तों, जो कि मेरी मोबाइल पर आ चुका है, ये देख सकते हैं 1859 1859 39, ये मुझको यहाँ पर देना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, सॉरी 1859 39, और यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने सारा कुछ सिस्टम खुल के आ गया है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको 3 स्टेप पर ये सिस्टम करना होता है दोस्तों, वो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा, वीडियो को फुल कंप्लीट देखना है दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप QR कोड से करना चाहते हैं तो QR कोड से देख सकते हैं, बाकी आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऊपर पे क्लिक करना है दोस्तों, एड्रेस प्रूफ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको संशोधित क्या करना है वो सारा कुछ आपको देखना होगा दोस्तों, यहाँ पर टिक मार देना है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर टिक मार देना है। टिक मारने के बाद फिर करना क्या है, यहाँ पर आपको सारा कुछ बिल्डिंग नेम और सेट ऑफ नेम, स्ट्रीट रोड सारा कुछ अपना एड्रेस दे देना है, लैंडमार्क
पिन कोड ये सारा कुछ, स्ट्रीट ये सारा कुछ दे देना है बारी बारी से दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, आपको बिल्कुल क्लियर देना है दोस्तों, गलत एक भी नहीं देना है दोस्तों। अगर गलत दोगे तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप हो गए दोस्तों, मैं नहीं हूँगा दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों मैं ये सारा कुछ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि दोस्तों मेरे आधार कार्ड में सारा कुछ गलत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, मेरी आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों, सारा कुछ है दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपल से दो तरीके से बता दूंगा दोस्तों। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सक्सेस का ऑप्शन आ रहा है सेकंड में भी आना लगेगा दोस्तों, ये सारा को जैसे कि भरकर आपको कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और कंप्लीट करने के बाद तीसरे स्टेप पर आपको दोस्तों, जैसे कि आपने अगर शादी की है, मान लीजिए एक तरीके से शादी करके लाए हैं, अपने पत्नी के आधार कार्ड में अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, अपना हस्बैंड का नाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक डॉक्यूमेंट मांगेगा दोस्तों, क्या प्रूफ है अगर आपकी इससे शादी हुई कि नहीं हुई दोस्तों, शादी का कार्ड हो गया दोस्तों या मैरिज कार्ड होगा दोस्तों, कोई भी होगा, यहाँ पर वो आपको फुटेज अपलोड करनी होगी दोस्तों, ठीक है ना। जैसे ही अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद संशोधन आपका लग जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप 15 दिन हो जाएंगे, 15 दिन के बाद आपका आधार कार्ड नया डाकघर से आ जाएगा दोस्तों। कुछ पैसे यहाँ पर आप प्रिपे करने होंगे, वो आप कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप, आशा करता हूँ यह वीडियो नॉलेजबल है, अच्छी लगी यार, लाइक करके जाना दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।